वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड स्टडी प्लान पे डिस्कशन करेंगे कि आप कैसे अपने कोर्स को मैनेज करेंगे और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है और कहाँ से आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि एक बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस को लगातार पूछ रहे हैं कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स को किस बुक से पढ़ें, कहाँ से इसको कवर करें। और बिजनेस इकोनॉमिक्स को बहुत सारे स्टूडेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं कि सर क्या ये जो हमने पहले अपने स्कूल में पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या ये वही है? तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आज आपके आज के सेशन में देने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स से अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि आपका जो बेस है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन आपका जो कंटेंट है और जो आपके एग्जाम में आएगा वो बिल्कुल ही आपके स्कूल में जो पढ़ा था उससे अलग होगा। क्योंकि स्कूल में आपने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था तो वो शॉर्ट रन पढ़ा था, यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो लॉन्ग रन से आएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो एक्सपेंशन पाथ से क्वेश्चन आएगा। आपने इंडिफरेंस कर्व आपने पढ़ा था, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व आपने पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पर आपके पास में प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ द इंडिफरेंस कर्व आपको पढ़ना पड़ेगा। प्राइस कंजम्पशन कर्व आपको यहाँ पर ये पढ़ना पड़ेगा, ये प्राइस कंजम्पशन कर्व आपने कभी नहीं पढ़ा पहले। प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इन द केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, ये टॉपिक्स कभी नहीं पढ़े। ये जो टॉपिक्स आपके एड ऑन हुए हैं ना बच्चे, एग्जाम में यही टॉपिक आपके रहने वाले हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ आपने बुक ओपन करा, चैप्टर ओपन करा, देखा ये तो वही है, फिर बंद कर दिया कि यार ये तो हमें आता ही है, बच्चे फंस जाओगे। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए होता है, जो उसके बाद का जो आपके पास में होता है पेपर में वही आता है और आपका सिलेबस का मेन पार्ट वही है। क्लियर है? अगर आप कोस्ट पढ़ रहे थे तो आप यहाँ पर लॉन्ग रन कोस्ट आपने नहीं पढ़ा, यहाँ पर लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व का आपके पास में है। यहाँ पर वहाँ पर आपने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ के छोड़ दिया था, यहाँ पर आपको सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉसेस, ये सारे आपको ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ओलिगोपोली पढ़ना पड़ेगा, गेम थ्योरम आपका पहले कभी था, यस पर गेम थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डायमंड वाटर पैराडॉक्स, यूटिलिटी चैप्टर पढ़ा था आपने बस, लेकिन डायमंड वाटर पैराडॉक्स आपने नहीं पढ़ा, कंज्यूमर सरप्लस नहीं पढ़ा, प्रोड्यूसर सरप्लस नहीं पढ़ा आपने। ये सारे जो नए नए टॉपिक्स आपके पास में हैं बच्चे, अगर आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट में भी आपने सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर पढ़े आपने, क्लियर है, लेकिन आपने लॉन्ग रन सप्लाई कर्व नहीं पढ़ा, आपने एक इंडस्ट्री का एक क्लियरम सेटअप नहीं देखा, ओलिगोपोली मार्केट का किंग डिमांड कर्व आपका नया सिलेबस में ऐड है, तो इतना कुछ आपका नया ऐड है उसमें से पूरा पेपर आपका आएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि जो आपने पढ़ा है उसी को लपेट के आ जाएंगे, तो भैया आपको लपेट दिया जाएगा पेपर के अंदर, क्लियर है? तो और YouTube से आप जो YouTube के पे जो रायता फैला हुआ है उसको प्लीज़ समेटने में मत लगिए। सिंपल सा है कि आप अपने कोर्सेज पे आइए जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है उस पे फोकस कीजिए और उसको पढ़िए, एग्जाम बिल्कुल ईजिली आप निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर हमारे सिलेबस में लाइक इंट्रोडक्शन है, इसमें इंट्रोडक्शन में मैंने आपको आपके सिलेबस से इंट्रोड्यूस करा है, एंड सेकंड स्केर्सिटी एंड सेंटर प्रॉब्लम, जिसके अंदर हमने चार वीडियोस एंड दो फाइल में कवर करा है, और आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसके अंदर हमने इसमें स्टार भी लगाए हैं, ठीक है ना, ये बिल्कुल स्टार वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप यूटिलिटी पर आते हैं तो चार वीडियो पाँच फाइल है, और यूटिलिटी के अंदर आपके पास में लास्ट में आप देखें कंज्यूमर सरप्लस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर कि इसकी पीडीएफ क्या है, पेड कोर्सेज में होता है ना यूट्यूब पे क्या है, यूट्यूब तो बस एक प्रमोशन का माध्यम है कि जी हम कैसा पढ़ा रहे हैं आप अबे देख लीजिए, कि एक एक ऐसा माध्यम है जहां पर कि आपको को पैसे देकर के आप फंसो नहीं, पहले ही आप दो चार पाँच दस एक चैप्टर क्लास लेकर के आप अच्छे से देख लो कि हाँ मैं फीस दूंगा तो मेरे को अच्छे समझ में आ रहा है। अगर आप यहाँ पीडीएफ चाहिए होता है ना बच्चों को एक्चुअली पढ़ने के लिए, जो कंटेंट है जो मैंने पढ़ाया उसी से रिलेटेड पीडीएफ है यहाँ पर। यूटिलिटी में इस तरीके से चार वीडियो हैं, कंज्यूमर सरप्लस और आपके पास में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, ये आपका हो चुका है। इसके बाद अगर बच्चे आप इंडिफरेंस कर्व पे आते हैं तो इंडिफरेंस कर्व पे आप आगे आएंगे तो देखो डेरिवेशन ऑफ द डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ द पीपीसी, अब प्राइस कंजम्पशन कर्व आपने जो ये पढ़ा उससे डिमांड कर्व का डेरिवेशन कैसे होगा, और वहाँ पर आपको डिराइव द डिमांड कर्व इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स विद द हेल्प ऑफ प्राइस कंजम्पशन कर्व, तो वहाँ पर कैसे बनाओ, ये सारी चीज़ें नई टॉपिक है ना बच्चे, स्टार लगाया हुआ इन पे, क्लियर है? इनकम कंजम्पशन कर्व आपके पास में आ गया, एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स,
अब बजट लाइन, कंस्ट्रक्शन इक्विलिब्रियम, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन के पेपर आसान होते हैं। इंडिफरेंस कर्व आपका हो गया। इसी तरीके से अगर आप अपने क्लासेस पे आते हैं तो आपको देखने को मिलता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, ये आपके पास में डिमांड, डिमांड के अंदर आपके पास में इतने सारे वीडियोस हैं, ठीक है। और कोर्स आपका भी चल रहा है। कोस्ट हो गया आपका, कोस्ट में देखिए आपके पास में कितने लेक्चर हैं, 7 लेक्चर्स हैं। फाइंड द मिसिंग फिगर कोस्ट में न्यूमेरिकल एक पक्का पेपर में आता है, इसमें से 5 मार्क्स का। उस पर स्टार बनाया हुआ है कि कौन सा पेपर, जिस पे स्टार बना हुआ है इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है आपके पास में। लॉन्ग रन एवरेज कर्व ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये कोस्ट के अंदर आपके पास में है। इसके बाद कोस्ट के बाद अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है एप्लीकेशन डिमांड एंड सप्लाई का। इसके अंदर आपके पास में क्या है, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस, और इसका इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज इन द सप्लाई, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये सारे कुछ टॉपिक है बच्चे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ये आपके एग्जाम्स में आते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन हो गया आपके पास में, कॉस्ट रिवेन्यू। प्रोडक्शन फंक्शन में लॉन्ग रन कंसेप्ट आता है आपका, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है बच्चे आपको। तो डिस इकोनॉमी, इकोनॉमिक, ये सब चीज़ें कहाँ पढ़ी हैं आपने, मार्केट रिविजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर है बच्चे। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, रिवेन्यू, कॉस्ट, तो पूरा का पूरा कंटेंट आपके पास में रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। और प्लस में मैं लेटेस्ट क्लासेस में आपको लाइव क्लासेस भी दे रहा हूँ, ठीक है बच्चे। तो लाइव क्लासेस में अगर आप जाते हैं तो लाइव क्लासेस भी आपको साथ के साथ इन्हीं कंटेंट की आपको दी जा रही है, जिसमें कि और प्रीवियस से क्वेश्चन ऐड कर लें। तो मैंने आपको अपने कंटेंट से इंट्रोडक्शन करवाया कि आप इनमें कंटेंट को आप देख सकते हैं अपनी स्पीड से और तेज़ी से काम कर सकते हैं। लाइव क्लासेस जितना पढ़ा रहा हूँ आप पे समय है, आप उसको और तेज़ी से आगे कवर कर सकते हो, तो आप प्लीज़ करें, इसमें से कर सकते हैं लेटेस्ट क्लास है ये भी। एंड सेकेंड, कहाँ से पढ़ें, जो मेरा PDF है मैं ऑलरेडी 5-7 बुकों को रिसर्च कर करके पढ़ करके अपने नोट्स PDF बनाता हूँ। आप मेरे PDF से पढ़ें पहली चीज़, एंड सेकेंड कहाँ से पढ़ें, 10 ईयर से पढ़ें आप, शिवदास का 10 ईयर आता है, उस 10 ईयर से आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो सफिशियंट है और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन है। और ज़्यादा कोई बुक लेके मत जाइए, ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। अगर आपने एक 10 ईयर भी कंप्लीट कर लिया और मेरे नोट्स कंप्लीट कर लिए, इसके 100% क्वेश्चन इसमें से टकराएंगे, और यही करोगे तो आपके कम से कम कंटेंट में आपका फुल स्कोर भी आपका आ सकता है। तो इसलिए कहाँ से पढ़ना है ये बात भी मैंने आपको बता दिया है। अब किसको किस ऑर्डर में पढ़ें, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे डिमांड स्टार्ट करते हैं बच्चे, तो डिमांड के बाद आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कवर करो, ठीक है। और इसके बाद फिर आप जो है प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट करते हो, देन इसके बाद जस्ट बाद ही आपको कॉस्ट पढ़ना पड़ेगा, कॉस्ट के बाद रिवेन्यू, देन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आपको पढ़ना है, क्लियर है। आप यूटिलिटी पढ़ते हो तो जस्ट उसके बाद आपको इंडिफरेंस कर पढ़ना पड़ेगा, और चैप्टर वन आपका इंट्रोडक्शन है वो तो है ही। उसके बाद आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ते हो, देन उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करो, क्लियर है। तो ये कुछ आपके यूनिट से इस ऑर्डर में भी आप इसको पढ़ सकते हो। अब आपके क्या क्या डाउट्स हैं, आप चैट में आज आपके डाउट्स भी लिए जाएंगे, आप जो बताओ जरा आपके जो जो डाउट्स हैं, कुछ क्वायरीज हैं वो आप पूछ लीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है, आप टीम को कॉन्टेक्ट करके उससे कोई भी क्वायरी है आप वो क्वायरी भी ले सकते हो। 499 का पूरा कोर्स अवेलेबल है, जैसे कि बच्चों ने कोर्स को लिया भी है। बाकी बच्चे जो बच्चे हैं अभी कोर्स के अंदर, आप बताएं कि क्या आपके क्वारीज हैं, हिंदी में नोट्स कहाँ से मिलेंगे। बच्चे हिंदी में नोट्स लेने के लिए आपको तो फिर हिंदी का 10 ईयर तो लेना ही पड़ेगा शिवदास का, और आप हिंदी में आप जो है बुक ले लें, क्लियर है, दीपा सिरी की बुक है, आप उस बुक को ले सकते हैं, उसमें लैंग्वेज थोड़ी आसान है। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में हिंदी के लिए एक मैं आपको जो है परमानेंट सॉल्यूशन बता दूंगा। सर यूनिट वाइज कंटेंट ऐड कर दो, बच्चे यूनिट वाइज कंटेंट ऐड करने से, चलो मैं यूनिट वाइज भी कंटेंट आपका ऐड कर दूंगा, लेकिन बेसिकली आप इसी ऑर्डर में पढ़ो ज़्यादा बेटर है ये आपका, ठीक है। बाकी आपने जो कहा है इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और कोई क्वायरी है बच्चे, ठीक है। फिर आज की जो क्लासेस मैंने सिर्फ आपका जो है कंटेंट से रिलेटेड डिस्कशन किया, मैंने बुक बता दिया, बुक में दीपा सिरी भी है, बुक में आपका TR जैन भी है, क्लियर है, बुक में अदर आपके ड्यू के अपने जो नोट्स होते हैं, बुक्स होते हैं वो भी होता है, प्लस में 10 ईयर भी होता है, लेकिन मेनली है कि जो मैं पढ़ रहा करवा रहा हूँ, पढ़
जो जितने भी आपके बुक्स हैं सबसे रीड कर करके कंटेंट निकाल करके वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो ऑल इन वन आपको मेरे नोट्स से मिल जाएंगे, प्लस में आपको प्रैक्टिस के लिए 10 ईयर सिद्धार्थ का फॉलो करना है। ठीक है बच्चे, ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है। और कोई क्वायरी है, डाउट है? बुक हिंदी मीडियम के लिए आप जो TR जैन और या फिर आप जो है इजी लैंग्वेज, अगर आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो दीपा श्री दो हैं। क्लियर है? और इंडिफरेंस कर मेरा लाइव कंटेंट में चल रहा था, उसको मैंने अभी एक क्लियर में पढ़ा है, बाकी क्लासेस में रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्डेड क्लासेस को मैं कंटेंट में अपडेट कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्लासेस हम कुछ नया पढ़ेंगे, बट इंडिफरेंस कर का जितना है वो आपके रिकॉर्डेड क्लासेस में ऐड हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और आज की क्लास आपकी ऑफ नहीं हुई है, आज का कंटेंट रिकॉर्ड करके उसमें मैं अपडेट कर दूंगा कल मॉर्निंग में। ठीक है, तो कंटेंट चलता रहेगा, कोर्स टाइम से पहले फिर फिनिश कर दूंगा। आपके एग्जाम से लगभग लगभग मान के चलिए 22-25 डेज बिफोर आपका कोर्स पूरा वाइंड अप होगा, और 10 ईयर डिस्कशन भी करूंगा। 10 ईयर में बता दूंगा मैं कि मेरे वीडियो में लाइक एक पेपर लाऊंगा, उस पेपर में मैं बता दूंगा कि भैया ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे मिलेगा, ये क्वेश्चन मेरे वीडियो नंबर इस पे मिलेगा, ये क्वेश्चन मेरे वीडियो नंबर इस चैप्टर में इस वीडियो नंबर पे मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं उस पे लिख दूंगा, तो आप दोबारा जाके उसको रिवाइज कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, वो स्टूडेंट जो किस भरोसे बैठे गए, कहीं कहीं से कंटेंट थोड़ा बहुत अकेडमिक वाला पढ़ के पास हो जाएंगे, बिल्कुल पास नहीं होंगे, जो आएगा सरप्राइज करेगा, हैरान करेगा, अचंभित हो जाएंगे, क्वेश्चन छू नहीं पाएंगे, क्वेश्चन बिल्कुल अलग होगा, हटके होगा। इसलिए 10 ईयर की सलाह भी दे रहा हूँ मैं आपको। मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास में।